हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं सीटों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं चुराहा विधानसभा क्षेत्र में। चुराहा विधानसभा क्षेत्र में ये पहला गांव है कियानी, क्योंकि इसके बाद चंबा विधानसभा लग जाती है और यहां से ये शुरू होता है। तो पहला गाँव है कियानी और आप देख पा रहे हैं क्योंकि जो हिमाचल का इलाका है वहाँ पर छोटे छोटे गांव होते हैं, तो लिहाजा रोड पर ये इस तरह की दुकानें आप लोगों को मिलेंगी। और इस विधानसभा का क्योंकि 2008 का जो परिसीमन हुआ था उसके बाद ये अस्तित्व में आई थी। 2008 के बाद दो चुनाव हुए, 2012 में और 2017 में। दोनों चुनाव में बीजेपी से यहाँ से हंसराज विधायक बने हैं। अब की बार जनता क्या सोच रही है, जनता का क्या मूड है, जनता की क्या राय है, वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? राकेश कुमार जी। राकेश जी, मुझे ये बताएं, चुनाव नज़दीक है, जनता क्या सोच रही है इस बार, क्या मूड है, क्या लगता है कि इस बार जनता किसका मन बना रही है? जनता का कोई पता नहीं लगता ही, कुछ टाइम भी बदला हो जाता, इसका कोई वो नहीं खास। काम वाम हुआ है क्या? मौजूदा जो सरकार है वो काम वाम करा पा रही है? काम तो चल रहा है, काम तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। काम तो चल रहा है, तरक्की हो रही है, ऐसी कोई नहीं है। क्या काम हुए हैं यदि, क्योंकि 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया इस सरकार को, क्या काम हुआ है? रोड का भी ठीक काम हुआ और गरीब आदमी का भी भला है, थोड़ा जमीन के ऊपर भी मिलता है, पहले कभी नहीं मिला, 2000 रुपया। अच्छा। ऐसे राशन कार्ड वगैरह, फिर कोरोना काल में काफी उनको हेल्प मिली है। अच्छा। पैसा भी मिला है, अनाज दिया है। ऐसे कोई ऐसी भी समस्या है इस हलके में जो आपको लगता हो कि साहब इस हलके में ये दिक्कत है और अब की बार जो सरकार बने कम से कम ये दिक्कत दूर करे? सर, दिक्कत तो यही है सिर्फ कूड़े वगैरह की है, जो मतलब एक वो बन जाए उसमें जो कूड़ा डाल के, तो फिर आदमी के लिए भी कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। वो क्योंकि हिमाचल जो है टूरिस्ट प्लेस है और जाहिर तौर पर यहाँ से तमाम तरह के जो यात्री गुजरते हैं वो इस तरह का कूड़े जो गिराएं, यदि उस वो इकट्ठा हो जाए तो ठीक रहे। यही समस्या है सर। तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर, युवाओं को लेकर, क्योंकि आप युवा हैं, क्या बेरोजगारी का क्या वो है, रोजगार यहाँ पर मिलता है या लगता है कि साहब नहीं बेरोजगारी है? सर, बेरोजगारी तो है लेकिन रोज बेरोजगारी के लिए भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है ना सर। कोई नज़दीक इंडस्ट्री है? नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई नहीं। पढ़ लिख कर फिर बच्चे कहाँ? सर, बाहर जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं या कुछ, यहाँ पे ITI वगैरह खुली हुई है, कॉलेज वगैरह, वही उसके बाद फिर वो करके आए तो वही फिर अपना काम धंधा। अपना काम, टेस्ट वगैरह तो सर आपको पता ही है, दिक्कत वगैरह उसका भी करने, आजकल उसकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण फिर लोगों को वो रोज़गार मिलने का भी अवसर थोड़ा कम ही मिलता है जी। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी अम्मा जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं एक बात जानने आया हूँ, चुनाव आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ चुनाव आएगा अब क्या लगता है, कौन सी पार्टी ठीक लग रही है के बार? सारी पार्टी मारे जो ठीक है, सारी पार्टी ठीक है। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनमें से क्या लगता है कौन सी ना मेरे को पार्टी ने? अच्छा। मेरे को क्या देना? बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार? बुजुर्गों को पेंशन वेंशन कुछ मिल रही है? बुढ़ापे की पेंशन खा रहे हैं, हमारे देश की सेवा की हमारे पति था वो, मैं भी खा रही। अच्छा। हाँ, आर्मी में थे? हैं? आर्मी में थे? हाँ। अच्छा, ठीक है, तो आपको उनकी पेंशन मिलती है? हाँ, और मेरे को बुढ़ापे की कोई नहीं दे रहा। हाँ, आप बताएं मैडम, ये बताएं मुझे कि क्या लगता है कि अब की बार सरकार किस पार्टी की बननी चाहिए जो ठीक रहेगा हिमाचल के लिए, आपके हलके के लिए? सर, इसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो इस बार आनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि पहले भी सरकार तो
मतलब बड़ी सारी आई, पर अब भाजपा सरकार आ गई है तो कहीं लोग खुश हैं कहीं ना खुश हैं। तो इसके बारे में मैं तो यही बोलूंगी कि मैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने काम कुम ठीक किया था, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। इनको कांग्रेस पार्टी ठीक लगती है। आंटी जी कुछ कह रही हैं? हाँ जी आंटी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आप मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया, अब कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी कौन सी ठीक लग रही, किसको आशीर्वाद देंगे अब की बार? आशीर्वाद जे खारे तीन नहीं है। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो पार्टी कौन सी ठीक लगती है आपको? पार्टी मेरी ठीक हुई है, दिख लेना मेरी अपनी मर्जी हिंदी से था ना। अच्छा, मोदी। चलो चलिए, कुछ जो और लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं। इस तरह की बसेस जो है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगी। हाँ जी चालक महोदय रोकें जरा, क्या नाम है आपका? रवि कुमार सर। रवि कुमार जी, आप तो बच्चों को लेकर इधर उधर जाते रहते हैं, क्या हाल है इस हल्के में? रोड वोड बनी है कुछ? सर रोड रोड वोड ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी जी, पक्के पक्के में जाते सर। पक्के पक्के में ही जाते हो, मगर पक्के की भी सड़क वड़क ठीक है क्या? ठीक। हाँ जी जी। कि चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है आपकी बात? चुराह की जनता, चुराह का वोटर क्या सोच रहा है, किसको आशीर्वाद देंगे? क्या पता जी, अब पता नहीं है अभी तक तो कुछ। आपका मन क्या कहता है? हम तो पुरानी पार्टी से जुड़े हैं जी, हम तो पुरानी पार्टी से। कौन सी पुरानी पार्टी? कांग्रेस है जी। कांग्रेस से? तो कांग्रेस के टाइम क्या बेहतर हुआ था काम आपको, कैसे ये लगता है? कांग्रेस सब कुछ जो कुछ हुआ है कांग्रेस। अच्छा, थोड़ा सा कांग्रेस की देन है। हाँ तो लोकल सड़कें जो भी बनी है वो कांग्रेस के टाइम बनी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और एक तीसरे विकल्प के तौर पर भी पार्टी अब की बार ये कह रही है कि आपके बीच में आएगी, उसकी भी कोई चर्चा है यहाँ पे या नहीं है? उसका अभी तक प्रचार ही नहीं हुआ है, आए नहीं आदमी कोई भी, आए नहीं अभी, चले नहीं कुछ भी। नाम बताओ आप। देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया है, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है? सर माहौल तो सारे वैसे दिखे जाए तो कांग्रेस भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक हो ही ना। वैसे कांग्रेस ने भी कोई ऐसा वो नहीं किया कि बीजेपी ने भी कोई ऐसा नहीं, गरीब वास्ते वो भी तो ठीक हो रही, ऐसी गल नहीं है, कोई ऐसी गलत नहीं उस किते, जितना गरीब वास्ते होता उतना किते होना। मोदी ने भी बहुत अच्छा किया। नहीं, आपका मन क्या कहता है कि ये पार्टी ठीक है, इस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? जो पार्टी काम करेगी उसको वोट देंगे, सीधी बात है। कोई ना कोई कांग्रेस है कोई, तो ना ऐसा कोई बीजेपी रहा मतलब। तो दोनों पार्टियों का राज तो आपने देखा है, देखा है। तो फिर कौन सी बेहतर लगी है? तो हम पुराने हैं, कांग्रेस टाइम के हैं हम। अच्छा। हाँ जी, कांग्रेस के ही है। कांग्रेस के? कांग्रेस के ही है। कांग्रेस आपको लगता है कि बीजेपी से बेहतर कर रही है? बेहतर तो नहीं, बेहतर तो कहाँ, कुछ भी नहीं ऐसा ही समझो। हमारे अपने तो खास आदमी ना जो मिले मिनिस्टर थे और क्या है, नजदीकी नजदीकी नहीं, हम तो ऐसे ही यहाँ बैठे हैं और क्या, कुछ भी नहीं ऐसा ही समझो, जो दिन कट गया वो ही है और कुछ भी नहीं। अच्छा। और क्या। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या हाल है साहब? अरे इधर आओ आप सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार जी। सब आपकी सिफारिश कर रहे हैं, बोले नरेश कुमार जी ऐसी बात बताएंगे आपको जो नहीं बताई होगी किसी ने। तो चुराह विधानसभा में अब की बार क्या होने जा रहा है बताइए? अब की बार तो कांग्रेस पार्टी बड़ी जल्द, जो नेता होगा बड़ी जल्द लीड से जीतेगा। अच्छा। 15,000 वोटों से जीतेगा कम से कम। 15,000 से? ऐसा कैसे विश्वास हो रहा है, क्या बात है? कमाया नहीं मारे उसने, जो बीजेपी के विधायक उसने कमाया, कुछ आया नहीं वो, आज नहीं दिखे, आए नहीं, आया नहीं वो इधर। अच्छा। एक आप लोगों के यहाँ ये बड़ी दिक्कत है, आप लोग ये कूड़ा जला देते हैं, बेरोजगारी है, बड़ा बुरा हाल है, कोई होया कुछ नहीं, इस गवर्नमेंट तो बेड़ा कर दिया। जलाना क्यों पड़ता है जी? जलाना क्यों पड़ता है? कूड़ा और कहाँ फेंकना जी? अच्छा। जी जी, यही कुछ नहीं, सुविधा कोई नहीं उठाने के लिए, कोई गाड़ी वाड़ी की कोई कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोग कहते नहीं हो? कितनी बार बोला है, बनाए भी साइड साइड बनाए, उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो क्योंकि हिमाचल की जो अपनी एक खासियत है कि सुंदरता है, इस तरीके से कूड़ा फैलेगा या फिर पोल्यूशन होगा तो सुंदरता तो नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी जी। तो फिर इस बारे में सोचते नहीं नेता? कुछ नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता इस बार जी। अच्छा। तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आप कह रहे हो साहब कांग्रेस पार्टी का विधायक जीतेगा, तो वो सोचते हैं क्या कुछ? थोड़ा बहुत काम तो होता है उसमें, उस समय में ठीक काम होते हैं जी, सड़कें वो भी बनाते हैं, मतलब स्कूल उन्होंने खोले हैं, मतलब बेरोजगारी उन्होंने काम किए थे, इस बार तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई का तेल कहाँ कहाँ से पहुँच गया, 55 से लेकर 110 पहुँच गया, ये तो पिछली बार 104 सीटें काम नहीं होती तो इस टाइम में 150 क्रॉस हो जाना था, डालडा देखो 200 पहुँच गया,
कांग्रेस सरकार में 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी उससे पहले थी तो जो हमारा डिपू का जो तेल था वो 45 रुपये था, तो अन्य हजारे 100-100 के महंगी होगी। अब अन्य कहाँ मर गया पता नहीं, उसका पता ही कोई नहीं। अब बोलता ही नहीं, अब 110 हो गए वो, अब है ही नहीं। मतलब 200 रुपये डाल रहा आम आदमी नहीं खरीद सकता। बाकी हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो चल जाते हैं बाहर, गरीब आदमी हॉस्पिटल देखो बुरा हाल है ना, मशीन नहीं है, कहने को तो टांडा बना दिया, कर दिया मेडिकल कॉलेज बना दिया और बाहर उधर भेजते हैं, जाओ जी टांडा करते हैं, मरने की बारी आती है चल भाई टांडा, है ही कुछ नहीं, कोई नहीं इधर, बुरा हाल है। स्कूलों को पढ़ कर कहाँ जाते हैं, कोई रोजगार के लिए नहीं, कोई नहीं है जी। इंडस्ट्री कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं जी। चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मुझे ये बताएं, चुनाव आ गया है आपके यहाँ तो चर्चा होती होगी। हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा, हाँ, तो जनता आपकी बार क्या सोच रही है बता? जनता क्या सोचेगी, जनता तो खा रही है, पी रही है, कमा रही है, कोई गवर्नमेंट ये थोड़ी दे रहे हैं कुछ, कोई भी अभी तीसरी पार्टी देखनी है जनता भी कांग्रेस भी, हिमाचल में दोनों ही पार्टी है बस, तीसरी कोई पार्टी नहीं आई है। क्या किया तीसरी पार्टी वाले अब की बार कह रहे हैं कि हम हिमाचल का चुनाव लड़ेंगे, तो उनको लेकर कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है, नई पार्टी कुछ करेगी तो सही। अच्छा, नई पार्टी? हाँ, ये तो नई पार्टी की तो पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी थी, अब तीसरा विकल्प कह रहा है कि साहब हम अब हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे, तो उनको लेकर कोई सोच रहा है क्या? हाँ, वही सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी कि नई पार्टी कोई तीसरी पार्टी आए। हर ये तो 50 साल 60 साल जब से देश आजाद हुआ तब से दोनों पार्टी है हिमाचल में, तीसरी पार्टी कोई नहीं। क्या विकास हुआ, जो अंग्रेजों के टाइम क्या वही है, सब कुछ वही चल रहा है, रोड यहाँ हमने जब से पैदा हुए हैं ऐसा ही देखे, स्कूल कॉलेज जब से बने हैं वैसे ही हैं, और क्या हुआ, कुछ भी नहीं, नया काम तो कुछ भी नहीं किया दोनों। नई पार्टी से उम्मीद है, लगता है नई पार्टी आकर कुछ नया कुछ ना कुछ तो सोचेगी, पहली बार आएगी तो भी सोचेगी आगे भी हमने आना है। तो आपको नई पार्टी कौन सी, मतलब नई पार्टी से क्या मतलब? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में आपको ऐसा क्या लगता है कि कोई काम आपको लगता है या नेता लगता है कि साहब ये नेता कर सकते हैं? नेता बिल्कुल निष्पक्ष है उनके, बातचीत करने में भी, काम करने का भी, काम भी कराया ना इन्होंने, अभी दिल्ली में ही देख रहे हैं हम, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, बाकी तो यहाँ तो है नहीं ये पार्टी। ये आपके साथी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब की बार 84 जीतेगी। कांग्रेस कब से जीत रही है? क्या वैसा ही है सब कुछ, ये बारी बारी तो आती है, हर 5 साल में एक बार, दूसरी बार ये आती है, हर अगले 5 साल में फिर ये आएगी। पैटर्न बदलेंगे आप? बदलेंगे, हम अपना पूरा सहयोग करेंगे आपका। ये कह रहे हैं साहब ड्यूअल पार्टी जो सिस्टम था उसको बदल कर आगे बढ़ेंगे और अब की बार किसी तीसरे को बनाएंगे। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? सर मैं आपसे एक बात जानने को आया हूँ, अब विधानसभा चुनाव होंगे, क्या चर्चा चल रही है, जनता अब की बार क्या सोच रही है, किस पार्टी को आशीर्वाद? कुछ भी नहीं हो रही है, अभी तो घूमी है लोग, तो अब जरा थोड़ा आगे चल के चलेगा को बताओ। काम वाम हुए हैं कुछ? काम तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं हुए काम, तो काम ऊपरी हुए चुराव में ही, इधर नहीं हुए, कियानी साइड, कियानी साइड नहीं हुए। अच्छा, क्या काम ऐसा है जो आप चाहते हैं कि साहब ये काम कियानी में होना चाहिए? अब सड़कें हैं, कहीं रुकी हुई हैं सड़कें, पानी है, बिजली की समस्या है, बिजली यहाँ क्याणी की तो बिजली गुल हो जाती है। तो हिमाचल में तो बिजली बनती है, यहाँ पर भी बिजली चली जाती है? बस पार बिजली होती है पाली साइड। अच्छा। और यहाँ क्याणी में लाइट ही नहीं होती है, आज पिछले कल भी नहीं थी। अच्छा। और दूर बारिश होगी, पार बारिश होगी तो वो आ रही है, लाइट चले जाती है, तो स्टाफ भी नहीं है इनके पास। अब चली गई लगता है, फिर से लाइट चली गई है? अब चलेगी है, चलेगी। चले तो ये कितनी बार जाती है दिन में? तो दिन में कभी कभी तो 5-6 बार चले जाती है। अच्छा। कभी कभी तो टिकी रहती है। अच्छा। तो आप लोग बोलते नहीं नेताओं को कि साहब हिमाचल में बिजली मिलती है, और फिर हिमाचल वालों को भी नहीं मिलती है? यहाँ खड़े ही नहीं होते नेते, वहाँ झंडी फिरा के चले, घूमते फिरते चलते रहते हैं, तो किसको बोल रहा हूँ। वोट के टाइम आते हैं नेता? वोट के टाइम तो आते हैं, उस वक्त तो पाँव छूते हैं। अच्छा। हाँ, आ ही नहीं। अच्छा। उसके बाद आशीर्वाद नहीं लेने आते आप लोगों? आशीर्वाद लेने नहीं आए जी अभी तक। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है।
अब की बार क्या लगता है, क्योंकि अब तक आपके पास दो पार्टी थी, कांग्रेस और बीजेपी होती थी, अब पार्टी तीन हो गई है, आम आदमी पार्टी वाले भी ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जनता तीनों पार्टियों के बारे में क्या सोचती है? क्या यहाँ पर लगता है कि साहब जनता बीजेपी के बारे में क्या सोच रही है, कांग्रेस के बारे में या आम आदमी पार्टी? यहाँ तो अभी दो ही पार्टी चलेगी, तीसरी का भी है नहीं कोई, हो दो ही होगी, दोनों में होगी टक्कर, कांग्रेस और बीजेपी में ही। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बिल्कुल, इनका ये कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी है यहाँ पे और टू पार्टी सिस्टम में अभी मामला चलेगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि नई पार्टी को मौका दे, कुछ और लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, ये बच्चे युवा हैं, जरा इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं, हम आपके पास आए हैं, आप जा रहे हो, क्या नाम है आपका बताएं? मेरा राजीव, इससे पूछिए, ये अच्छा बंदा, ये अच्छा। आप सब लोगों से पूछूंगा, आइए, आप आइए इधर, आप आए इधर, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार भैया। गौरव, मुझे ये बताएं कि आप युवा हैं, ठीक है, क्या लगता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश का युवा या चुराहा का युवा क्या सोच रहा है, किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? पार्टी के बारे में तो भैया अब क्या बोल सकते हैं, अपना नहीं, अब पार्टी के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, जो आए अच्छी बात है, काम करने चाहिए बस, लोगों का काम करे जो पार्टी से, हमें क्या मतलब है, जो मर्जी आए बस, अच्छी काम करने वाले हों, जो पार्टी की किसी की तो सरकार बनेगी, ठीक है, तीन पार्टी हो गई हैं, पहले दो थी भाई, कांग्रेस और बीजेपी थी आपके पास, अब आम आदमी पार्टी भी हो गई है, तो तीनों पार्टी में से ही तो कोई राज में बनेगा ना। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर मेरे लिए तो जो मर्जी बने, बस काम होना चाहिए जनता का, बाकी तो क्या है। गुरु का मन क्या कह रहा है, किस पार्टी की? मेरा, मैं वही तो आपको बता, नो कमेंट्स पार्टी के बारे में, तो अब कोई मेरे लिए कुछ नहीं है कि। आप क्या करते हैं? मैं तो अपना काम करता हूँ इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन जी जी। यहाँ पर युवाओं के लिए क्या नौकरी वोकरी की और जो उस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है, उम्मीद रहती है, या लगता है कि साहब बेरोजगारी ज़्यादा है, दिक्कत है? बेरोजगारी है सर ज़्यादा ही, आप खुद ही देख रहे हो अब कि बेरोजगारी तो है ही है अब सर, चल ही रही है, अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अब लाती नहीं है नए नए कुछ स्कीम में, और क्या कुछ नौकरियाँ भी नहीं है। प्राइवेट नौकरियाँ सर है, प्राइवेट नौकरियाँ, पर वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार से सर, अब पूरी फैमिली थोड़ी ना चलती है, तो अब जिसके पास पैसा है वो करेगा नहीं 5-7 हज़ार की नौकरी, जिसके पास नहीं है पैसा उसने तो करनी है, पर 5-7 हज़ार से क्या होता है सर प्राइवेट नौकरी से? गुजारा कैसे होता है? गुजारा हम तो कर लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत ही, जितना जैसा चला है, अपना काम सीखा हमने तो इलेक्ट्रीशियन का, चलो चला लेते हैं उसमें ही सर्कल, पर अब जो जिनके पास नहीं है, टैलेंट नहीं है कुछ, अपना स्किल्स नहीं हो, तो फिर आप देख लो कि अब नौकरी के इंतज़ार में है वो, तो फिर तो अब नौकरियाँ तो है नहीं, अब प्राइवेट सेक्टर में वहाँ भी कितनी सी नौकरियाँ, चंबा में आपको पता है कि नौकरियों के लिए भी बाहर ही जाना पड़ता है, चंडीगढ़ हो गया, बद्दी ये साइड हो गया, हरियाणा इसी साइड जाना पड़ता है लोगों को नौकरी के लिए, अब लोकल में मिल जाए तो फिर अच्छी बात होगी ज़्यादा, जितनी अपॉर्चुनिटी हो लोकल में अच्छा रहता है ना अपने लिए। स्कूल कॉलेज का, एजुकेशन का, हेल्थ का, वो क्या यहाँ पर स्टेटस है, ठीक है वो? सर वो तो ठीक ही है लगभग सब कुछ, पर अगर ज़्यादा बेटर हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर हुनरमंद जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने बताया, वो लोग वो करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर राजेश भारद्वाज। ये बताएं भारद्वाज साहब, आप तो हर जगह घूमते हैं, क्या लग रहा है इस बार हिमाचल में क्या होने जा रहा है, किस पार्टी का लग? नहीं बता सकते फिलहाल तो। क्या कहते हैं राजेश भारद्वाज, क्या कहते हैं कि साहब इस पार्टी की बने तो बेहतर? सर अभी तो कुछ नहीं बता सकते फिलहाल। आपका मन तो कुछ बोलता होगा ना कि कौन सी पार्टी है, क्योंकि आप लोगों ने तो राज देखा है, बीजेपी का भी देखा, आम उससे पहले कांग्रेस का भी देखा, तो क्या लगता है? मैं तो सर बीजेपी। बीजेपी जी सर, बीजेपी का राज ठीक चल रहा है? जी सर बिल्कुल। क्या डेवलपमेंट हुई है जो आपको लगता है कि साहब बीजेपी का बेहतर है राज? बीजेपी ठीक है सर, हिमाचल में यही आएगी बीजेपी आएगी फिलहाल तो। हाँ जी, तो आने का क्या कारण है भाई? कारण सर क्या बताएं अब। अच्छा जी, लोग पसंद कर रहे हैं? जी सर बिल्कुल। ठीक है सर, लोग पसंद कर रहे हैं तो बिल्कुल आना भी चाहिए। आगे चलते हैं जरा, क्योंकि हिमाचल में एक ये दिक्कत है कि मैंने बताया छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव में फिर लोग काम करने भी जाते हैं तो कम मिलते हैं, दुकानें जो रोड पर होती हैं वो दुकानें भी कम होती हैं, तो उनमें जो लोग बाग मिलते हैं हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर एक और शख्स, उनसे बात कर लेते हैं।
हाँ जी सर, कैसे हैं आप? सर एक बात आपसे जानने आया था मैं, अब चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश का युवा व्यापारी क्या सोच रहा है, इस बार किस पार्टी को मौका देंगे? सर मौका तो अब हर एक पार्टी को मौका ही दिया, पर वो अपना अपना ही करता है जी। तो इस बार तो फिलहाल हम स्टार्टिंग से कांग्रेस के, तो इस बार भी कांग्रेस को ही देंगे, पर अगर यहाँ से कोई MLA सही होगा तब, अदरवाइज तो न्यूट्रल कैंडिडेट को देखकर अभी। हाँ जी, हाँ जी। या फिर पार्टी लॉयल हैं, लगता है कि साहब एक पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसी पार्टी की डालनी है चाहे कैंडिडेट कोई भी हो? नहीं ऐसा नहीं है, पर ये है कि जैसे कांग्रेस के हम, तो ये है कि अगर कैंडिडेट सही होगा तब तो हम वोट जो है वो कांग्रेस को ही देंगे, पर अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कैंडिडेट देखेंगे कि कौन कैंडिडेट सही है जो मतलब यहाँ का कुछ डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोच सके। अब तक तो आप लोगों के पास क्योंकि विकल्प नहीं था, टू पार्टी सिस्टम था, कांग्रेस और BJP थी आपके पास, तो अगर एक से नाराज़गी है तो दूसरे को डालनी है, वैसी मजबूरी हो जाती वोटर की। मगर अब आपके पास क्योंकि तीसरी भी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी भी ये कह रही कि चुनाव लड़ेंगे, तो विकल्प दो हो गए हैं, यदि सत्ता से खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं दो विकल्प हो गए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की भी लोग चर्चा कर रहे हैं? सर कर तो रहे हैं, पर मेन है कैंडिडेट का ना, क्योंकि हिमाचल में वैसा पंजाब और दिल्ली वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ दो ही पार्टी चलती है, कांग्रेस या BJP, और कैंडिडेट मैक्सिमम जो जितने भी यहाँ पे जनता है वो यही सोचती है कि या तो कांग्रेस के देगी या फिर BJP को, पर अगर कैंडिडेट सही हुआ तो नेचुरली इस बार कैंडिडेट को देख के ही वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चाहे कांग्रेस आए चाहे BJP आए, चंबा की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, हमारा एरिया देख लो जीरो है, चाहे कोई भी आए, स्टार्टिंग में वोट मांगने आते हैं, उसके बाद अगर जैसे ये क्यानी का एरिया देख लो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे एक ATM तक नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत है हमें, हम तो कांग्रेस को भी वोट दे के देख चुके हैं, BJP जीत गया उनको भी बोल के देख चुके हैं, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। अगर आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट ऐसा आता है जो प्रॉमिस करता है हमसे कि हाँ यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली हम उसे ही वोट देंगे, ठीक है, क्योंकि यदि कोई काम करता है तो उसको वोट देनी चाहिए, जिससे उम्मीद लगे उसको आप वोट दीजिए। कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछते हैं, यहाँ पे कुछ लोग नज़र मेडिकल स्टोर है इस पे चलते हैं, चल कोई है यहाँ पे? हाँ जी मित्र, कैसे हैं आप? एक बात मैं आपसे जानने आया हूँ, चुनाव आ गया है नज़दीक, क्या लगता है माहौल क्या बन रहा है, वोटर क्या सोच रहा है इस बार कि किस पार्टी को आशीर्वाद देंगे? देखिए हर बार हिमाचल में ऐसा होता है कि बदलाव होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार कांग्रेस ही आएगी, हर बार BJP आएगी, है ना, तो आई थिंक मेरा तो ये मानना है कि सबको मौका मिलना चाहिए एक बार, BJP का दौर गया, कांग्रेस का दौर गया, अब आम आदमी पार्टी भी है, वो भी अखाड़े में चल रही है, तो हो सकता है कांग्रेस आए, हो सकता है BJP आए, हो सकता है आम आदमी आए, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये है कि बदलाव तो होगा, है ना, बाकी BJP ने भी बड़े अच्छे काम किए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अब डिपेंड करता है लोगों पे, लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। जैसे आपने कहा कि हर 5 साल में तकरीबन ये देखा गया है कि पार्टी बदल जाती है सरकार में, तो क्या कारण रहता है, मतलब लोग 5 साल के अंदर कामकाज से इतने वो हो जाते हैं या बेहतर काम करने के बाद फिर भी बदल देते हैं? एक्चुअली में ऐसा होता है कि ज़्यादातर ये रहता है कि लोग खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारा ज़्यादा अगर ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बिजली पानी और रोड की, है ना, और ऐसा नहीं कि BJP ने काम नहीं किया है, अच्छा काम किया है और हर जगह रोड भी पहुँचाई है, लेकिन कई दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी रोड की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर लोगों का रोष भी देखा जा सकता है, ऊपर से फिर अनपढ़ता भी है, क्योंकि चंबा आपको पता है सबसे लास्ट में एज एजुकेशन के मामले में, तो लोग भेड़ चाल भी चलते हैं कि एक जिस साइड गया उस साइड सारे चले गए, है ना, ये भी रहता है, तो ना खुशी भी हो सकती है चीज़, ये भी कह सकते हैं, ऊपर से भेड़ चाल भी कह सकते हैं, है ना, ऊपर से परिवर्तन तो होना ही चाहिए, फिर देखते हैं कि यार इस बार BJP को दिया, चलो इस बार कांग्रेस को दे के देखते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा बैलेंस बना के रखते हैं सर। रोज़गार के अवसर क्या सरकार पैदा कर पा रही है, या लगता है कि नहीं साहब बेरोज़गारी बढ़ रही है,
युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल पा रही है, क्या लगता है क्या स्थिति? फिलहाल के लिए ऐसी है कि ना तो जॉब मिल रही है, और अभी आप देख सकते हो पुलिस की भर्ती हुई थी तो किसी कारण वो भी कैंसिल हो चुकी है, है ना। मैं अपनी बात करूँ तो जम्मू में जाके मैंने CASF का टेस्ट दिया था 2019 में, उसका सिर्फ वो था, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, उसके लिए रिटर्न के लिए 3 साल हो गए वेट करते हुए, कुछ नहीं निकला, कहाँ गया वो? इतने सारे पैसे हम भर रहे हैं एज जनरल कैटेगरी में, देख सकते हो आप, है ना, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ऊपर से रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है, सच्ची बात है, है ना। बाकी कोरोना में तो चलो कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ काम, लेकिन अब नई सरकार क्या करेगी क्या ना करेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल के लिए। हिमाचल में तो क्योंकि बिजली बनती है, और यहाँ पर भी बिजली की दिक्कत है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया, पीछे मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि साहब बिजली के कट लग जाते हैं, बिजली नहीं आती कहीं। हाँ, बिजली कट इसलिए लग रही है क्योंकि देखिए हमारा जो इलाका है ये रहता है जैसे गाँव का इलाका है, तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ है, तो जब बारिश होती है या फिर कोई जानवर फंस जाता है उसमें, तो इस वजह से फिर जो तारे हैं वो आपस में जुड़ जाती है, तो बड़ी मुश्किल होती है, जिसके कारण क्या होता है कि बिजली की वायर है वो आपस में होके शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है, फिर इतने दूर से ट्रांसफार्मर को उठा के लेके जाना बनाना, तो इस वजह से थोड़ा काम डिले हो जाता है, तो इस वजह से हो सकती है प्रॉब्लम। इन तमाम हालात के बीच में आपको कौन सी पार्टी से ये उम्मीद लगती है कि साहब ये पार्टी आएगी तो बेहतर कर देगी कुछ? देखिए 29 साल का मैं हो चुका हूँ, ठीक है जी, जितना कि मैंने 2 या 3 बार वोट दिया होगा, कांग्रेस के टाइम में भी यही हालत है और BJP के टाइम में भी यही हालत है, और आगे चल के अब क्या होगा क्या नहीं कोई पता नहीं, क्योंकि राजनीति की ऐसी गेम है इसका कोई पता नहीं चलता। सब बोलेंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब जीत जाएंगे उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं होती कि क्या होगा, सीधी सी बात है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा भैया। चलिए थैंक यू। चलिए जो तमाम लोग हैं उनसे हम लगातार ये पूछ रहे थे, और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से रोज़गार को लेकर दिक्कत है, कुछ और सुविधाएं हैं, बिजली को लेकर दिक्कत है, जाहिर तौर पर क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में तमाम चीज़ों की सुविधाओं को देना कहीं ना कहीं दिक्कत भी होती है उनमें, और ऐसे में प्रयास सरकार की तरफ से और गंभीर किए जाने चाहिए, इन तमाम लोगों का यही कहना है। इसी तरीके से आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों से बताएंगे कि आखिर उनके मन की क्या बात है।